नमस्कार नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। अभी हम पुनाई चक में खड़े हैं और हमारे पीछे जो स्कूल है उसका नाम आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है श्री राम लखन सिंह यादव सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको बता दें कि यह पुनाई चक में स्थित है, जो कि पटना की राजधानी में। यहाँ पे 4 जनवरी से स्कूल खुलने हैं और बिहार सरकार द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसका पालन किया जा रहा है। अब विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। जिस तरीके से आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि स्कूल खुल चुके हैं और जो बच्चे हैं वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, शिक्षिका क्लासेस ले रही हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं स्कूल के इंचार्ज क्या कुछ कहते हैं कोरोना गाइडलाइन के मामले में, सरकार क्या क्या आदेश यहाँ के शिक्षकों को दी है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुधीर कुमार। तो जिस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन के बाद आज 4 तारीख से स्कूल खुले हैं, बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, इसमें क्या कारण हो सकता है? बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, कुछ अभिभावक भी ये अभी थोड़ा सा सहमे हुए हैं। आज बच्चे आए हैं, इन लोगों को गाइडलाइन जो सरकार का है हम लोग बतलाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो अखबार वगैरह नहीं देख पाते हैं। आज क्लास में हम बोलेंगे, सबको कहेंगे कि तुम आओ, सारी व्यवस्था है, विद्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस तरीके से सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में कहा था कि मास्क वितरण होगा और सैनिटाइजेशन होगा, उसमें सरकार ने यहाँ कुछ मास्क वितरण का आपको क्या कुछ आदेश दिया है? नहीं, मास्क वितरण का है, प्रत्येक छात्र को 2-2 मास्क देने का है। छात्र संख्या के आधार पर सरकार ने जिला में मुहैया करा दी है मास्क। हम लोग विद्यालय स्तर से भी व्यवस्था किए हुए हैं, सरकार का भी मास्क हमारे पास है। सभी बच्चे देखिए गेट पर जो आ रहे हैं सभी मास्क लगा के आ रहे हैं। हम लोग हर बच्चे को 2-2 मास्क देंगे ही। जो कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ किया जा रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे सैनिटाइजेशन का क्या उपाय है? सैनिटाइजेशन का जो मशीन है आपने देखा भी कि हमने हर रूम में कल भी करवाया था, परसों भी करवाया है, अथी है, आज भी हम करवाए हैं, तो ये रेगुलर चलता रहता है जब से कोरोना का। कुल बच्चों की संख्या है वो कितनी होगी? कुल बच्चों की संख्या प्लस टू और माध्यमिक मिला करके करीब 550 के आसपास है, और अभी एक्यूरेट फिगर भी मैं आपको दे दूंगा, लोग तैयार कर रहे हैं। और हैंड वाश वगैरह सारी व्यवस्था आप देखिए बेसिन के पास रखा हुआ है। तो ये सरकार का खोलने का है, और एक बच्चे को जो आ जाएंगे वो कल नहीं आएंगे, सहमति पत्र उनके अभिभावक से लेना है। ये सहमति पत्र क्या है सर? आप सहमति पत्र का बात कर रहे थे। सहमति पत्र ये है कि अभिभावक को कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चे उनसे सहमति लेके आए कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, और जो विद्यालय बच्चे आ जाएंगे वो कल नहीं आएंगे, मैंने एक दिन आगे पीछे करके ऑड इवन का चल रहा है ये कार्यक्रम। तो जिस हम लोग को हर जैसे कि एक सेक्शन में मेरे 60 बच्चे हैं तो 30 बच्चे आज रहेंगे, 30 बच्चे कल रहेंगे, इस तरह से करना है। और एक बेंच पर बड़ा बेंच है, 2 बैठाएंगे, 6 फीट की दूरी रखेंगे, छोटा बेंच है उस पर 1 बच्चे को बिठाएंगे, और ये हमको ख्याल रखना है, समय समय पर उनको हैंड वॉश के लिए प्रेरित करना है, मास्क हमेशा लगाए रखें इसके लिए प्रेरित करना है, और साफ सफाई से रहें इसके लिए भी प्रेरित करना है। तो ये सरकार का जो निर्णय है उस निर्णय से हम सहमत हैं। तो जिस तरीके से यहाँ के इंचार्ज जो हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है, साथ ही साथ हर बच्चों को 2-2 मास्क बांटे जाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ध्यान रखा गया है, और जो परिसर में फिलहाल बच्चे तो कम आए हैं पर यहाँ के टीचर्स का कहना है कि यहाँ दिन के बाद कुछ दिनों के बाद जो बच्चे हैं वो आने लगेंगे, फिलहाल अभी उनकी संख्या काफ़ी कम है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।